ओए मुन्ना, लास्ट टाइम ज़ॉम्बी बॉस को हरा के बहुत मजा आ गया, लेकिन हम ये कहाँ आ गए? अरे भैया, हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर कब से बोल रहे थे कि प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 खेलना है, तो लीजिए भैया, हम प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 में आ गए हैं। ओए क्या बात है, सीक्वल बहुत मजा आएगा। प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 में तो बहुत ही मजा आया, और 2 तो मैंने सुना है कि बहुत ही औसम है, देखते हैं खेल के। हाँ भैया, इस वर्जन में ग्राफिक्स में काफी चेंजेस हुए हैं, कई सारे प्लांट्स ऐड हुए हैं भैया, बहुत मजा आने वाला है, तरह तरह के ज़ॉम्बी आने वाले हैं भैया। और हमारी व्यूअर्स ने हमें कमेंट करके ये बताया है कि ये पार्ट पहले पार्ट से ज्यादा टफ होने वाला है भैया। ओए देख लेंगे, फर्स्ट पार्ट में कोई ज़ॉम्बी हमारे घर के अंदर घुस तक नहीं पाया था, सेकेंड पार्ट में भी वही होगा। अरे ये तो शुरू से स्टार्ट हो रहा है, क्या बात है, इसमें तो ग्राफिक्स काफी अच्छे हो गए हैं। देख ये पी शूटर को कितना अच्छा लग रहा है, लॉन को भी काफी अच्छा बना दिया है। और मजे की बात भैया, पहले हम जब सन को कलेक्ट करते थे तब हम केवल 25 सन मिलते थे, यहाँ पर 50 सन मिलते हैं भैया। पर इस पी शूटर का दाम केवल 100 सन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसमें जो प्रोग्रेस बार है वो उसको बीचों बीच ला दिया है, वो भी काफी अच्छा लग रहा है, वो भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर का है। भाई मुन्ना बहुत मजा आ गया, क्या लुक दिया है, पहले वाले से फार बेटर है ये, मुझे तो इसे देख के ही खूब मजा आ गया। देख इतने सारे प्लांट एक साथ अटैक कर रहे हैं, ज़ॉम्बी क्या टिक पाएंगे। हाँ भैया, बस ये तो स्टार्टिंग है, आप देखते जाइए कि क्या किस किस तरीके से अलग अलग प्लांट मिलते हैं आपको। ये तो केवल पी शूटर और नॉर्मल ज़ॉम्बी है, और ये पहला लेवल है भैया। ओए हाँ, ये तो बिगनर्स के लिए है, पर हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमने पहला पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। देख हमको सनफ्लावर मिला है। भैया इस पार्ट की एक बहुत बड़ी खासियत है भैया कि आप प्लांट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं प्लांट्स। ओए क्या बात कर रहा है, इनको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, बहुत मजा आने वाला है मुन्ना, बहुत मजा आने वाला है। ओए अब 3 लेन हो गए हैं, और इस प्लांट को बीचों बीच कैसे रख दिया है, ये पी शूटर बीचों बीच कैसे है। कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट सन प्लांट करते जाएंगे सनफ्लावर को, देख मुझे सब रूल पता है, हम आराम से पार कर लेंगे इसे। अब हर रो में पी शूटर लगाने हैं, बस इतना ही करना है। देख अब इन्हें मैं लगाता जाता हूँ, अरे मजा आएगा मुन्ना, मुझे तो इसका ग्राफिक्स देख के खूब मजा आ रहा है, सनफ्लावर्स को तो देख कितने अच्छे लग रहे हैं ये। अरे भैया इनके सन निकालने का स्टाइल तो देखिए, सन कितनी ऊपर उछलता है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत मजा आ गया। जरा इन सनफ्लावर्स को तो देखिए भैया, कितने हैप्पी लग रहे हैं। ओए हाँ ये तो है, देख हमने कितनी आसानी से ज़ॉम्बियों को हरा दिया, हालांकि ये केवल सेकंड लेवल है, कोई बात नहीं। अरे भैया ये तो केवल ट्यूटोरियल है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इसके बाद तो अलग अलग लेवल्स में बढ़ जाएगा भैया, इतने सारे लेवल्स हैं इसमें कि पार करते करते आप परेशान हो जाएंगे भैया। ओए मुन्ना तू कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी खेलते खेलते कोई पागल हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है ये गेम कभी खत्म ही ना हो, जैसे हमारे व्यूअर्स को लगता है। देख हमें वॉलनट मिला है, और व्यूअर्स अगर आपको प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 बहुत पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ भैया अब हम वॉलनट के साथ खेलेंगे, हमको रूल तो पता ही है, आराम से खेलते जाना है भैया। अब इस लेवल में कौन हेड वाला ज़ॉम्बी आएगा भैया, जो पहले लेवल में नहीं था, तो धीरे से सनफ्लावर प्लांट करते करते अब हम पी शूटर भी प्लांट करते चले जाएंगे भैया। देखिए हर लेवल पे एक एक पी शूटर रखना पड़ेगा हमको। ओए ठीक है, ट्यूटोरियल तो बहुत इजी से क्रॉस हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ तो पहले से 3 वॉलनट रखे हुए हैं, हमको एडिशनल वॉलनट रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम इसी में बन जाएगा। हाँ भैया ये तो है, आप इस गेम के काफी मास्टर हो चुके हैं भैया, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं हो रही है, नए प्लेयर्स को सीखने में टाइम लगता है ना भैया। अगर किसी ने प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 नहीं खेला है तो उनको सीखना तो पड़ेगा ना भैया कि कैसे प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 खेलते हैं। ओए हाँ समझ रहा हूँ, गेम की बात है, चल कोई नहीं, आने दे, फुल वेव आने दे, ह्यूज वेव आने दे, सबको संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अरे भैया अभी तो आपको ये गेम बहुत इजी लग रहा है, अभी देखते जाइए कि इस गेम में क्या क्या ऐड हुआ है भैया, आप भी हैरान हो जाएंगे इस गेम में कितने सारे चेंजेस किए गए हैं भैया। अच्छा ऐसा क्या है, मैं भी देखता हूँ कैसे कैसे चेंजेस है, बहुत मजा आएगा, देखते तो हैं क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इसमें।
अरे तो ये तो अपना माइंड मिला है, ये तो मैं जानता हूँ। हाँ भैया, ये वही माइन है जिसको प्लांट करने पर वो ब्लास्ट हो जाता है, पोटैटो माइन नाम है इसका। ओए चल देखते हैं अगला कौन सा लेवल है, इसमें क्या होने वाला है। अरे इसमें तो ही पोटैटो माइंस हैं, वो भी तीन तीन लगे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाली, फिर से वही करते हैं, सनफ्लावर लगाते जाते हैं। हाँ भैया जरूरत पड़ी तो वॉलनट लगाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वॉलनट लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले लेवल पे तो ये वैसे ही ब्लास्ट हो जाएंगे। आप बस सनफ्लावर लगाते जाइए और फिर पी शूटर लगाते जाइए। ओए इस बार तो बकेट हेड वाला भी आ रहा है, मुझे मालूम है इसे बहुत टफ होता है, लेकिन हमारे पास माइन है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, अभी आपको वॉलनट की जरूरत तो पड़ेगी भैया। ओए ये तो है, पी शूटर लगाने के लिए भी अब ज्यादा जगह नहीं बाकी है, सिर्फ दो ही दो आ पाएंगे। पर ये बात अच्छी है कि हमारे माइंस पीछे हैं, जब भी वो आगे बढ़ेंगे माइंस उसे बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा। देख मेरे हर लेवल पे दो दो पी शूटर हो गए, अब कोई कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ भैया, यूज वेव आने के पहले एक और वॉलनट लगा दीजिए, काम हो जाएगा आपका। ओए ये तो बहुत इजी था, आराम से हो गया, बस इस बकेट हेड को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। अरे भैया नीचे से भी एक आ रहा है, देखिए काफी टाइम लगाने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर हमारा वॉलनट भी खा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसके पीछे माइन है, जैसे ही उस पर कदम रखेगा वो ब्लास्ट हो जाएगा भैया। चल ठीक है, ये तो ट्यूटोरियल है, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन आगे गेम हार्ड होने वाला है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तुझे कुछ मालूम है क्या कैसे कैसे प्लांट ऐड होने वाले हैं, कुछ बता सकता है मुझे? अरे भैया मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही देख लीजिएगा भैया, ऐसे ऐसे जगह पे आप जाएंगे कि आपको भी भरोसा नहीं होगा, आप एशियन टाइम्स में पहुंच जाएंगे भैया, जब डायनासोर थे, आइस एज में पहुंच जाएंगे, और उसके अलावा एशियन इजिप्ट में पहुंच जाएंगे, फार फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, बहुत सारी जगह है भैया, पायरेट्स के बीच में आप पाए जाएंगे। ओए क्या बात कर रहा है, ऐसी ऐसी जगह पे, ये तो कैबेज पल्ट है, क्या बात है, मुझे तो सुन के ही मजा आ रहा है, ऐसी ऐसी जगह पे खेलने मिलेगा, क्या बात है मुन्ना, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी तो रॉक करेगा लगता है मुझे। अरे भैया इसमें एक चेंजेस कर दिया गया है भैया, पहले क्या होता था कि हमारे जो पी शूटर थे और कैबेज पल्ट थे वो इन जो टॉम्स हैं यानी कि कब्र हैं उनके आर पार निकल जाते थे, पर इसमें ऐसा नहीं होता भैया, इनको पहले पी शूटर तोड़ते हैं, उसके बाद उनके पार पी शूट जा पाते हैं भैया। ओए ठीक है, गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया है, बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा कुछ चैलेंज होना चाहिए। अब भैया हर लेन में आपके एक एक पी शूटर लगभग लग चुके हैं, बस ऊपर वाला लेन बाकी है, वहाँ भी पी शूटर लगा दीजिए भैया, और सनफ्लावर हर लेन में लगा दीजिए, आपका काम पूरा हो जाएगा भैया। ओए इसमें ह्यूज वेव का समझ में नहीं आता, कभी भी दिखा के आ जाता है, कब आता है और कितने बार इस बार आता है स्टेज में, ये तो पता होना चाहिए। चलेगा भैया चलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है, आप बस खेलते जाइए भैया, देखिएगा ये गेम कितना ज़्यादा चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद में। ओए ठीक है, देख अभी तो मेरी तैयारी ठीक है ना, देख कोई ज़ॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगा ना, सब तो लगभग ख़त्म हो गए। हाँ भैया बढ़िया है, ये लेवल भी क्रॉस हो गया, देखते हैं अब कौन सा प्लांट मिलने वाला है हमको। ओए ये क्या है, ये तो कोई प्लांट नहीं लगता, ये कैसी चीज़ है बॉटल वाली, क्या ये नया ऐड हुआ है? ओए देख क्रेजी डेव भी आ गया, और क्रेजी डेव क्या हाल है, पिछले पार्ट में मिले थे तब तुझे एक ज़ॉम्बी उठा कर ले गया था, अरे तू बच गया, अच्छा हुआ। हाँ भैया ये तो उसके टैको के लिए सॉस था भैया, उसको बहुत अच्छा लगा। अब आगे की कहानी ये बताएगा भैया, देखिए किसी टाइम मशीन के बारे में बात कर रहा है, और ये उसकी गाड़ी भी है भैया, और एक्चुअली में ये गाड़ी ही टाइम मशीन है भैया, ये आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगी भैया टाइम में, देखिए कभी आप टाइम में बहुत आगे जाएंगे, कभी एकदम पीछे चले जाएंगे, आप टाइम ट्रेवल करेंगे भैया। ओए मुन्ना तो सही कह रहा था, हमने तो सही में टाइम ट्रेवल कर लिया, क्या बात है, हम एशियंट इजिप्ट में है जो 4500 साल पहले था, ओ माय गॉड, ये गेम तो गजब ही है मुन्ना, मुझे नहीं पता था इतना बढ़िया गेम है ये। हाँ भैया अभी इस प्लांट के एक और खूबी के बारे में बता रहा है भैया, इसमें आपको एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है भैया, वो एक पत्ते के फॉर्म में होती है, वो पत्ता अगर आप
टैप करके ये प्लांट के ऊपर टैप करेंगे तो उसके ऊपर स्पेशल एबिलिटी आ जाएगी भैया, देखा ना। ओए क्या बात कर रहा है, अरे ये तो ऑसम है मुन्ना, बहुत मजा आया। अरे क्या बात है, ऐसे में तो हम आराम से जीत जाएंगे। नहीं भैया, इतना आसान भी नहीं समझिए, और टफ होने वाला है। शुरुआत में आपको 3 पत्ते मिलते हैं भैया एबिलिटी के लिए, और जो चमकता हुआ जॉम्बी है अगर वो मरता है तो हमको 1 बार एडिशनल पत्ता मिलता है भैया। ओए ठीक है, समझ रहा हूँ। अभी हमारे पास 50 सन हुए हैं, अब ये 100 सन हो गए। वो देख ये पत्ता आ रहा है, पर ये टैप कर रहा हूँ ये मिल क्यों नहीं रहा है मुझे। भैया ये पत्ते वाली एबिलिटी आपको 1 बार में केवल 3 नहीं मिलती है, तो आपको 1 बार यूज करना पड़ेगा, तभी 1 स्लॉट खाली होगा, तब दूसरा मिल पाएगा आपको। ओए ठीक है, सब समझ में आ गया, फिर से एबिलिटी यूज करता हूँ, क्योंकि 3 स्लॉट भरे हुए हैं और 1 पत्ते को मुझे लेना है। अरे वाह मुन्ना, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ, ये सेकंड वाला जो पार्ट है बहुत ही मजेदार है, मुझे तो देख के ही मजा आ रहा है। ओ नीचे में मैंने अभी तक कोई प्लांट नहीं रखा है, पी शूटर रखना पड़ेगा जल्दी से। देख वो जॉम्बी बहुत पास आते जा रहा है, एबिलिटी भी देनी पड़ेगी क्योंकि वो जॉम्बी बहुत पास आ गया था। क्या बात है भैया, आप धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसको कैसे खेला जाता है। देखिए एक अलग टाइप का जॉम्बी है, उसके हाथ में एक सोने का डंडा है भैया, वो आपके सन को खींच लेता है, इसलिए उसको जल्दी से मारना जरूरी है। ओए मुन्ना ले मार दिया, सबके सब फिनिश हो गए, ये पार हो गया। ये क्या मिला है, ये तो कोई नक्शा लगता है मुझे। हाँ भैया आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये एक नक्शा ही है। इसमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और कौन से टाइम में हैं भैया, और कितने स्टेज तक पहुँचे हुए हैं, ये सब आपको बताएगा। देखिए अभी तक आपने एशियन रिजर्व के 25 में से 1 लेवल पार किया है भैया, इसके बाद आपको और भी सारे लेवल मिलेंगे जैसे जैसे आप स्वाइप करते जाएंगे भैया। इसमें नीचे में उसके डिफिकल्टी लेवल भी है, देखिए पायरेट सीट, वाइल्ड वेस्ट, फ्रॉस्ट बाइट केव्स, इतने सारे हैं भैया, लॉस्ट सिटी है, फॉर फ्यूचर है, उसके अलावा डार्क एजेस है भैया, और ये नियॉन मिक्स स्टेप टूर है, और जुरासिक मार्च है भैया, बिग वेव बीच है, और मॉडर्न डे है भैया, उसके बाद ये एक मिस्टीरियस वाला भी है, इसके बारे में नहीं पता। ओए लेकिन सब में लॉक क्यों है, लॉक कब खुलेगा भैया? सभी लेवल को आपको स्टेज बाय स्टेप पार करना पड़ेगा, तब अगला लेवल खुलेगा भैया। जब तक आप 25 में से एक सर्टन लेवल तक नहीं पहुंचते, अगला वाला ओपन नहीं होगा भैया। ये देखिए ये मैप दिखाता है भैया कि आप कौन से लेवल पे हैं और कौन सा एज खेल रहे हैं भैया। इस हरे वाले का मतलब है कि वो अनलॉक हो चुका है, उस पे टैप करेंगे तो वो स्टेज खुल जाएगा भैया। ओए क्या बात है, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 तो बहुत ही मजेदार है, ये तो 1 से पूरा ही अलग है मुन्ना। हाँ भैया, तभी हमारे व्यूवर्स हमें बोल रहे थे कि प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 खेलो, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 खेलो, तो लीजिए भैया हम खेल रहे हैं और काफी मजा आ रहा है भैया। ओए क्या इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो इतने सारे पहुंच गए, अब क्या कर सकते हैं, स्पेंड दोस क्वाइन इनटू, अच्छा हमको ये लेना है तो इसके लिए हमको क्वाइंस देने पड़ेंगे। ओके हाँ भैया, कभी भी एडवर्स सिचुएशन हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं भैया, बहुत मजा आएगा। ओ यहाँ तो 3 सनफ्लावर, 1 कैबेज वाला पहले से दिया हुआ है, लेकिन इसमें तो शुरुआत से ही ज़ॉम्बी आना चालू हो गए, अरे बाप रे, बाकी 2 लेन में कैसे करेंगे। मैंने बोला था ना भैया कि उतना इजी नहीं होने वाला, तो जल्दी से पी शूटर रखिए भैया। लेकिन जब तक वो टॉम है तब तक उस ज़ॉम्बी खुश पड़ेगा नहीं भैया, जल्दी से लगाते जाइए। अरे मुन्ना तूने सही कहा था, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 है, थोड़ा टफ तो होगा ही, लेकिन अब मैं इसमें एबिलिटी का यूज़ करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें एबिलिटी दिया हुआ है। हाँ भैया, ऊपर वाले लेन में देखिए भैया, अभी तो आपके पास 2 जगह लगाने हैं पी शूटर, अरे बाप रे भैया, बहुत टफ होने वाला है। ओए फिकर मत कर, वॉलनट लगा दिया है, ऊपर वाला संभाल लेगा, नीचे वाले के लिए मैंने अभी एक और पी शूटर लगा दिया है, और ये एबिलिटी वाला तो अभी आ ही गया है, तो अभी इसमें भी लगा देता हूँ। ये स्पेशल एबिलिटी मिलने से बहुत इजी हो गया है मुन्ना, बहुत अच्छा हो गया। हाँ भैया ये तो है, चलिए देखिए भैया कौन वाला आ रहा है, पर उसके लिए आपके पास 2 रुपी शूटर है, ये अच्छी बात है। ओ ये स्टॉर्म कहाँ से आ रहा है, और अचानक से जॉम्बी उसमें से प्रकट हो जा रहे हैं, आगे निकल के आ जा रहे हैं, ये क्या बात हुई। अरे भैया यही तो बात है भैया, आपको ऐसे ही खेलना होगा, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 में भी अचानक ज़ॉम्बी आ जाते थे ना भैया।
ये देखिए एक एबिलिटी वाला आ गया आपके पास में, अब आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। देखिए ह्यूज वेव आ रही है और आप बिल्कुल तैयार रहिए भैया, कभी भी अच्छा खासा हम आसान हो सकता है। ओए मेरे ऊपर वाले लेवल पे एक पी शूटर कम था, चलो अभी अभी लगा दिया, और अभी मेरे पास एक एबिलिटी भी बाकी है। कोई भी नाटक हुई तो मैं एबिलिटी यूज कर दूंगा, लेकिन अब लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने कर ही दिया। क्या बात है, ये लेवल भी क्रॉस हो गया। अरे नया प्लांट मिला है, ये कैसी चीज है भैया? ये बूमरैंग वाला प्लांट है भैया, ये बूमरैंग छोड़ता है जो इसके पास खुद वापस आ जाता है, इसका नाम है ब्लूमरैंग। ओए क्या बात है, एक नया प्लांट, बढ़िया है। अब देखिए भैया नई नई चीज खोली है, अब तीसरा लेवल हो गया भैया, अब हम तीसरे लेवल पे पहुंच गए। अब देखते हैं आगे क्या है। एक ट्रैवल लॉक होता है भैया, उसके बारे में आप यहाँ ऊपर टाइप करेंगे तब आपको मिलेगा भैया। इसमें कई सारे क्वेस्ट होते हैं, वो खेलने से आपको रिवॉर्ड मिलते हैं भैया। ओए क्या बात कर रहा है, रिवॉर्ड, बढ़िया है। अरे ये क्या है, दो ब्लूमरैंग है, पर ये बोलता है कि दो एक दूसरे से अलग है। हाँ भैया, जो ऊपर वाला ब्लूमरैंग है वो तो एकदम सिंपल है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो लेवल अप वाला है भैया, लेवल मैक्स वाला है। तो आपको दोनों प्लांट के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपको प्लांट्स को अपग्रेड क्यों करना चाहिए भैया। ओ ऐसा है क्या, अरे बाप रे सही बात है, उस वाले का ब्लूमरैंग तो एकदम धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन इस वाले का तो बहुत ही तेज जा रहा है, एकदम डिस्क जैसे है। हाँ भैया, जैसे ये बोनस स्टेज आते थे वैसे ये स्टेज है आपको भैया, आपको स्लाइडर में ऐसे ब्लूम रैंग आते रहेंगे और आपको लगाते जाना है भैया। देखिए काफ़ी फास्ट है, अभी तक आपको केवल एक सिंपल वाला मिला है भैया, बाकी ये फास्ट वाले मिले हैं। और इसकी खासियत ये है भैया कि सभी ज़ॉम्बियों को ये एक साथ हर्ट करता है भैया। ओ यहाँ देख रहा हूँ, ये तो केवल आगे तक जा रहा है, पीछे वाले को नहीं मार रहा है। ओए क्या बात है, मैंने इसकी एबिलिटी यूज़ की, बहुत ही शानदार एबिलिटी है इसकी, और नीचे वाले रो में तो अभी तक मेरा एक भी ब्लूमरैंग नहीं आया, अब आया है। अभी मेरे पास दो एबिलिटी है, जब चाहे उन्हें तब यूज़ कर सकता हूँ। ये देख तीसरी भी आ गई, अब तो कोई टेंशन नहीं है, ह्यूज वेव आ भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तीन तीन एबिलिटी पड़ी हुई है। वाओ मुन्ना, इसे देख के खूब मज़ा आ रहा है, क्या एबिलिटी है इसकी। हाँ भैया आपको मज़ा आया ना भैया, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 खेल के हमको भी बहुत मज़ा आया भैया, और हमारे व्यूअर्स तो कब के बोल रहे थे कि ये सबको खेलना है। देखिए उसके अलावा दो तीन एबिलिटी और है भैया, ये आपकी यूज़ के लिए है, जब चाहे आप फ्रीज कर सकते हैं, बिजली गिरा सकते हैं, और भी चीज़ें हैं भैया। ओए क्या बात कर रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है, ये जार में क्यों है भैया? ये लॉक थे, अब अनलॉक हो जाएंगे। देखिए ये डेव के जार है भैया, अब क्वालिटी सील इज ब्रोकन है लिखिए भैया, यानी आप इसे बाद में यूज कर सकते हैं। देखिए भैया ऐसे कुछ खेलने से आपको रिवॉर्ड मिलता है, टैप टू ओपन। देखिए कुछ कुछ रिवॉर्ड मिले हैं, जिसमें एक तो आपको पैसे मिले हैं भैया, काफ़ी सारे गोल्ड मिले हैं, इसके अलावा लेवल अप मिला है भैया, आपका वॉलनट लेवल अप हो गया। अब देखते हैं पी शूटर भी लेवल अप हो गया, क्या बात है भैया, लेवल 2 तक पहुंच गया। ओ ये तो काफ़ी मज़ेदार लगता है, बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आ गया इसे खेल के। इतनी सारी नई चीज़ें ऐड हुई है कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 इतना अच्छा होगा, पर अच्छा किया हमने पहला पार्ट पहले खेल लिया, वरना इस गेम के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं थे। वैसे प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 1 भी बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया उसे खेल के। तो खैर मुन्ना, इसको अभी यहीं एंड करते हैं, और बाकी पार्ट को हम बाद में खेलेंगे। हाँ भैया, पहले हम ये तो देख लें भैया कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस किस लेवल के हैं और क्या क्या उनके एट्रीब्यूट्स हैं भैया। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्लांट्स हैं आपके पास में और कौन से लेवल तक है, और उन्हें आप अपग्रेड भी कर सकते हैं भैया। देखिए लेवल अप हो गया, ऐसा ही बाकी प्लांट्स के लिए कर सकते हैं, अगर आप लेवल पूरा हो गया उनका तब उन्हें लेवल अप कर सकते हैं भैया। ओए मुन्ना मज़ा आ गया ये सब देख के, खूब मज़ेदार है। अरे भाई अगर प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी 2 ऐसा है तो आगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्यूवर्स ये था वीडियो, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।